हेलो दोस्तों, मैं शंकर मंडा अशोका कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपना जो पॉलिटी का पोर्शन चल रहा था और उसमें अपन ने संविधान सभा टॉपिक लिया था, और संविधान सभा का पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन पहले देखिए। आज संविधान सभा की जो कुछ बातें रह गई थी उनको अपन पूरा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, अपन ने संविधान सभा को देखा था कि संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ। इसके बाद में अपन संविधान सभा की प्रथम बैठक, आप बताना संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है, प्रथम बैठक कब करवाई गई है, तो आप बताना इसका उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को। अब प्रथम बैठक में एक काम किया गया था, वो ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, आप इसका उत्तर बताना, वो अंग्रेजों द्वारा निर्वाचित किए गए, बी ऑप्शन वो मनोनीत किए गए, सी ऑप्शन कि उन्हें संविधान सभा में इस प्रकार से चुना गया क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, पर आप ध्यान रखना कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए बनाया गया। ये अपन ने अस्थायी अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा है कौन से देश से ली है, आप बताना, फ्रांस से। कौन से देश की परंपरा है ये, फ्रांस से। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब आप बताना टोटल इसमें संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य। पर प्रथम जो मीटिंग है, प्रथम बैठक है, उसमें टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207 सदस्य। आपको कहोगे और बाकी सदस्य कहां गए, बाकी सदस्य आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, 73 सदस्य थे। और 73 सदस्यों ने, मुस्लिम लीग ने तो प्रथम बैठक का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अच्छा, इस बहिष्कार करने पर आपको एक कथन याद रखना है जो कि विस्टिन चर्चिल का है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, नाम उनका आता है विस्टिन चर्चिल। विस्टिन चर्चिल का कथन आपको याद रखना है, विस्टिन चर्चिल ने कहा था जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, उनका कहना यह था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अभी तक भी मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। 9 दिसंबर 1946 को जब मीटिंग हुई, मुस्लिम लीग के कोई सदस्य ने भाग नहीं लिया। आप कहोगे 389 सदस्य थे जिसमें से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो टोटल सदस्य कितने रह गए, 316। फिर भी 207 ही क्यों आए, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो 93 जो सदस्य आने वाले थे देसी रियासतों से, उनका अभी अपने आप में ही तय नहीं था कि अपने को भारत में मिलना है कि पाकिस्तान में मिलना है, और किस प्रकार से अपने को कौन से देश में या स्वतंत्र रहना है। इस प्रकार से देसी रियासतों का ये जो बड़ा दल आना था, ये भी संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुआ। इस वजह से इनकी संख्या को लगभग घट करके कितनी रह गई, 207 संख्या इसकी रह गई। अपन बात करते हैं द्वितीय बैठक की। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक कब करवाई गई, आप इसका उत्तर बताना, 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, उत्तर बताना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध कौन से राज्य से, तो आप इसका उत्तर बताना, बिहार से। एक बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए उनका संबंध कहां से है, तो आप बताना, बिहार से। एक इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष आप बताना कौन थे, एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। इसी में संवैधानिक सलाहकार बनाए गए, संवैधानिक सलाहकार। अब संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार के रूप में, तो आप बताना, बी एन राव।
बेनेगल नरसिम्हन राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में भारतीय संविधान का सलाहकार किसको बनाएगा? बी एन राव को, बेनेगल नरसिम्हन राव। अब बी एन राव के संबंध में अपने को दो तीन बातें याद रखनी है। आपको इस नाम से ऐसा लग रहा होगा कि बी एन राव संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल गलत लग रहा है। वो बिल्कुल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको बताना है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो फिर क्या थे? वो उस समय आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस। बी एन राव का जो, जिसको अपन बर्मा देश बोलते थे, आज म्यांमार है, उसका संविधान बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बी एन राव की जो म्यांमार का संविधान बनाया गया उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और बी एन राव निशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया इन्होंने, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया बी एन राव ने। इसके बाद में बी एन राव ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया। बी एन राव ने संविधान का क्या तैयार किया? प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग से आपके दो तीन बातें याद रखनी है कि मीटिंग कब हुई है, 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको बनाया गया है? आप इसका उत्तर बताना, बी एन राव को। अब दूसरी बैठक हुई, अब इसमें तीसरी बैठक आपसे पूछे, तीसरी बैठक कब हुई है तो आप बताना, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन सा इंपोर्टेंट वर्क हुआ? इस दिन 13 दिसंबर को ही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सा प्रस्ताव रखा है? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आपसे पूछे कि आज अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का आधार क्या था, तो आप इसका उत्तर बताना, उद्देश्य प्रस्ताव ही था। आज अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं, वो प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि किस प्रकार का भारत देश बनेगा, किस प्रकार का अपना संविधान बनेगा, भारत लोकतांत्रिक देश बनेगा, किस प्रकार का देश बनेगा, सारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कितनी स्वतंत्रता है भारत में, सारी विवेचना अपने को इस प्रस्तावना में देखने को मिलती है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही, इसे उद्देश्य प्रस्ताव से ही देखने को मिलती है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर किसका रूप धारण करता है? प्रस्तावना का। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 18 दिसंबर तक बातचीत चली 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, पर इसको पारित करने में काफी समय लगा। और ये पारित किया गया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। क्यों इतना समय क्यों लगा? क्योंकि कुछ संविधान सभा के जो सदस्य थे, जैसे एम जेकर थे, बी एन रॉव थे, काफी सदस्यों का कहना था कि अभी भी मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं ले रही है। और संविधान सभा में भाग नहीं लेने की वजह से उनका इंतजार किया गया और बाद में जाकर के 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अब जो 22 जनवरी 1947 इसी दिन संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां और 15 अन्य छोटी समितियों का भी क्या कर दिया गई? निर्माण किया गया, स्थापना कर दी गई समितियों की। इसमें कुछ इंपोर्टेंट समिति अपने को याद रखनी है, जैसे समितियों में आपको याद रखना है संघ संविधान समिति, आपको याद रखनी है संघ संसदीय समिति। इन दोनों के अध्यक्ष आप बताना जवाहरलाल नेहरू। आप बताना दूसरी तीसरी समिति में प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप बताना संचालन समिति, क्योंकि संचालन करने का काम अध्यक्ष का होता है और संविधान सभा के अध्यक्ष ही कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे से अगर आप पूछो तो मैं ये बताऊंगा, ये समिति का नाम आप याद रखना, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति।
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसका उत्तर बताना आप सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों की जो उपसमिति थी, उपसमिति उनके अध्यक्ष का नाम बताना जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक जो उपसमिति थी, अल्पसंख्यक उपसमिति जिसको मैं बता रहा हूं, उनके अध्यक्ष का नाम बताना एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। कुछ इंपोर्टेंट समिति अपने को याद रखनी है, इसमें भी देशी रियासतों से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतों से कोई समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति का जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार से कुछ समिति इंपोर्टेंट याद रखनी है। कुछ 15 उप समितियों में जैसे छोटी उप समिति थी राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ये बातें याद रखनी है। अच्छा, समितियों का गठन कब हुआ है आप बताना, 22 जनवरी 1947 को हुआ है, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया, पारित किया गया। अब संविधान सभा का काम अपनी जोरों शोरों से चल रहा था, 22 जनवरी 1947 के बाद में, जनवरी के बाद में फरवरी की एक घटना अपने को याद रखनी है। फरवरी की घटना यह थी, 20 फरवरी 1947 की बात है, क्या हुआ उस दिन, ब्रिटेन की संसद द्वारा, क्योंकि अभी भी मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही थी, किसी भी बैठकों में भाग नहीं लिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने भारत में हिंदू और मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे होने लगे, और दंगों की वजह से ही क्लीमेंट एटली पर ब्रिटेन में दबाव पड़ा, और एटली ने वहां की संसद में एक घोषणा की जिसे अपन कहते हैं एटली घोषणा, एटली घोषणा। और एटली ने घोषणा की, आप ध्यान रखना, 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा में क्या कहा, इन्होंने डेडलाइन दे दी 30 जून 1948 से पहले पहले भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, और इस योजना को कार्य रूप देने के लिए क्लीमेंट एटली ने 21 फरवरी को ही, कितने फरवरी को, 21 फरवरी को ही लॉर्ड बेवेल की जगह पर माउंटबेटन को भारत में भेजा वायसराय बना करके। आप बताना इसके बाद में वायसराय कौन आते हैं भारत में, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने इस योजना को कार्य रूप देने के लिए, क्योंकि उनको डेडलाइन दी गई थी 30 जून 1948 से पहले पहले भारत को क्या करना है, आजाद करना है, माउंटबेटन ने इस कार्य को रूप देने के लिए, कार्य योजना को, अपनी खुद की योजना लगाई जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। इस योजना का दूसरा नाम है 3 जून की योजना भी कहते हैं इसको, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना जारी की। और इस योजना में माउंटबेटन ने कहा, साफ साफ कहा, घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान का क्या होगा, विभाजन होगा, और भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से बनेंगे, इसके लिए अधिनियम तो ब्रिटेन की संसद में बनेगा। और 3 जून के बाद में जुलाई, और जुलाई में जो अधिनियम बना ब्रिटेन की संसद में, उस अधिनियम का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अपने को इसके बाद में बातचीत करनी चाहिए भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत ही भारत को आजाद किया गया, पाकिस्तान को आजाद किया गया, पाकिस्तान अलग देश बनाया गया, ब्रिटेन की संसद में बना, और ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को इस बिल को पारित कर दिया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे उनको अपने को बातचीत करनी चाहिए। उसमें प्रावधान थे कि भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु देश बनेंगे। संप्रभु का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान दो अपने आप में अलग अलग संविधान सभा होंगी, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, अपने अपने संप्रभु संविधान सभा रहेगी, इनके अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। और जो भारतीय परिषद बनाई गई थी 1858 में, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, जो अंतिम भारत सचिव बने लॉर्ड विस्टोवे। तो इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपने को आजादी मिली,
अब प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत किया गया, तो इसका उत्तर आप बताना माउंटबेटन योजना के तहत। 3 जून की योजना भी इसी को कहते हैं। इसके बाद में अब जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, इसके बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनेगा, और स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनने के बाद में भारत में अब जो सदस्य हो जाएंगे घट करके, पहले टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। अब इतना आंकड़ा रखा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कितना आंकड़ा रहेगा संविधान सभा में, टोटल 324 का, पर जो उपस्थित होंगे वो 299 ही होंगे। 324 सदस्यों का आंकड़ा रखा गया, आए 299 प्रथम मीटिंग, मतलब इनके विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। अब इसके बाद में अपने को आगे जो स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनेगा इस पर अपने को बातचीत जारी रखनी है। इसके बाद में अपन संविधान सभा की ऐसी बातों को पूरा करते चलेंगे, अपने को डिटेल से और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीरियल वाइज चलना है। इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण अब धीरे धीरे, आगे कोई रुकावट नहीं आएगी, धीरे धीरे संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके अगली वीडियो में अपन इस वीडियो को और देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।